না না বসে সেভ না করে বসে স্যাটেলাইট করবো। मुझे काम करना है यहाँ। बस नहीं, आप कुछ नहीं करना। आज डोमर से सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वीसा और काफी डाटा का। हेलो, तुम से बिन हम शेयर टाइम पहले से मैंने स्टार्ट किया अपना ऑनलाइन पेज जहाँ पे मैंने अपनी पेंटिंग्स अपलोड करना स्टार्ट किया। और मैं ज़्यादातर एक्सप्रेशन बेस्ड आर्ट करती हूँ, म्यूरल्स करती हूँ और एब्स्ट्रैक्ट्स करती हूँ। सो मैंने ये जो आर्ट है मैंने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ है और अब लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं इस चीज़ को। और अभी कोविड का लॉकडाउन चल रहा है तो उस वजह से मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास आर्ट को लेके, तो मैंने वो काम करना स्टार्ट किया इस लॉकडाउन पीरियड। जी मेरा मास्टर्स हो गया है लास्ट ईयर, सो अभी मैं आर्ट के साथ फुल टाइम रिलेटेड हूँ। मैं एज फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करती हूँ कश्मीर में। और लॉकडाउन का मेरा यही एक फॉर्मूला था कि मुझे आर्ट करना था, वो मेरी मेंटल स्टेट के लिए काफ़ी ठीक था, तो मैंने सोचा कि इसी में अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आज के यूथ को बोलना चाहूँगी पर्टिकुलरली जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपने हर किसी फील्ड में, सो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है आप किसी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं या किसी चीज़ के थ्रू खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। नो डाउट आपकी स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस वजह से आपको पीस मिले आप वो चीज़ कीजिए, क्योंकि ये एक इंसान की हेल्थ के लिए काफ़ी